इट्स मी एबीस। आज मैं आपसे बात करूंगी किशोर कुमार के बारे में। अभिनेता किशोर कुमार भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा के एक मशहूर गायक थे। किशोर कुमार बीमिश और पार्श्व गायक के अलावा एक अनोखे कॉमेडियन या हास्य कलाकार, एक सुप्रसिद्ध संगीतकार, एक आदर्श निर्देशक और एक संवेदनशील गीतकार थे। किशोर कुमार की गायकी में इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि मृत्यु के 29 साल बाद भी उन्हें बहुत प्रशंसा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में अभास कुमार गांगुली के रूप में हुआ था। किशोर कुमार के पिता कुंजीलाल गांगुली एक वकील थे और माँ गौरी देवी एक गृहिणी थी। किशोर कुमार अपने 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुर और फ्रूमा घोष, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका थी, उनकी शादी वर्ष 1950 से 1958 तक सिर्फ 8 वर्षों तक ही चली। वर्ष 1960 में किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की और मधुबाला से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उनका नाम बदलकर करीन अब्दुल हो गया। वर्ष 1969 में मधुबाला का निधन हो गया और उनकी शादी समाप्त हो गई। किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की, जो कि वर्ष 1976 से 1978 तक सिर्फ 2 साल चली। किशोर कुमार की चौथी पत्नी लीना चंद्रवारकर थी, जो उनके जीवन के आखिरी दिनों तक उनके साथ रही। जब किशोर कुमार कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तब उनके भाई अशोक कुमार पहले से ही एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। किशोर कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। जब किशोर कुमार छोटी भूमिकाएं कर रहे थे, तो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने अपनी उनकी गायक प्रतिभा को देखकर उन्होंने किशोर कुमार में छिपी गायन प्रतिभा को एक नया रूप देने की कोशिश की। बाद में SD बर्मन के साथ मिलकर किशोर कुमार ने गीत गाए। किशोर कुमार ने खुद को आगामी हास्य अभिनेता के रूप में जगह बनाई और वर्ष 1958 में किशोर ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का निर्माण और निर्देशन किया। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। किशोर कुमार ने आखिरकार नंबर 1 के हास्य का अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। किशोर कुमार ने लगभग असफल फिल्मों के कारण एक करियर के रूप में अपने अभिनय को छोड़ने का फैसला लिया और इसके अलावा उन्होंने पार्श्व गायक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद एक गायक के रूप में उन्हें एक बड़ा फिल्म आराधना के साथ गीत मेरे सपनों की रानी को गाने का मौका मिला और ये गीत पूरे राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। इनके कुछ गीत इतने उत्कृष्ट हो गए कि स्टार कलाकार को भी इन गीतों में अभिनय करना मुश्किल हो जाता था। लगभग सभी प्रसिद्ध निर्देशक संगीत कंपनियां और निर्माता इनके हिट गानों पर ही निर्भर रहने लगे। किशोर कुमार का गायन दिल को छू लेने वाला और इतना भावपूर्ण था कि जिसने एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक मोहम्मद रफ़ी को दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया। वर्ष 1987 में अपनी अकाल मृत्यु से पहले तक किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज और अतुलनीय शैली से खुद को नंबर 1 पर बरकरार रहे। किशोर कुमार ने अपने लोकप्रिय गीतों के लिए कई सारे फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। सो एट द एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए ऐप पेज के आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते कुछ किशोर कुमार के हिट गाने आपके लिए छोड़ जाती हूँ, जुड़े रहें। लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला।